चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक मैथ के छठे वीडियो को देखने वाले हैं। अभी तक बेसिक मैथ के पांच को पार्ट बन चुका है और सारी मतलब बेसिकली बातें जो ना मतलब एकदम बेसिक से आपको बताया गया है ताकि कहीं भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक मैथ के छठे पार्ट को देखने वाले हैं। अब छठे पार्ट में हम लोग सीखेंगे पक्षांतर कैसे करते हैं, पक्षांतर का मतलब क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग जानेंगे। देखिए, पक्षांतर मतलब किसी भी समीकरण, पक्षांतर क्या होता है, एक समीकरण के रूप होता है, ठीक है ना। तो किसी भी समीकरण में दो पक्ष होता है, एगो बाया पक्ष एगो दाया पक्ष, जिसमें LHS और RHS पक्ष कहा जाता है। LHS का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का फुल फॉर्म होता है राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो बाया पक्ष को LHS साइड और दाया पक्ष को RHS साइड कहा जाता है। अब देखो, LHS को RHS में करो चाहे RHS को LHS में करो, यानी किसी भी समीकरण को किसी भी समीकरण में एक पक्ष को दूसरे पक्ष में करी जाती है। यहाँ पर किसी भी संख्या या राशि को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में लाना वही कहलाता है आपका पक्षांतर। पक्षांतर का मतलब क्या हो गया, एक जगह से दूसरे स्थान लाना, बस वो क्या कहलाता है, पक्षांतर कहलाता है। आप यहाँ से कूदकर वहां चल जाइए, वहां से यहाँ चलिए, तो वो क्या होगा, पक्षांतर हो गया। तो किसी भी राशि या पद को या संख्या को जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में लाई जाती है तो वो कहलाता है पक्षांतर। अब देखो, जैसे ही आप पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। जोर होगा तो घटाव में चेंज होगा, घटा होगा तो जोर में चेंज होगा, गुना होगा तो भाग में चेंज होगा। देखो यहाँ पर, जोर होगा तो घटाव में चेंज होगा, घटा होगा तो कैच में जोर में चेंज होगा, गुना होगा तो भाग में चेंज होगा, यदि भाग में होगा तो गुना में चेंज होगा, ठीक है ना। वर्ग होगा तो वर्गमूल में चेंज होगा, वर्गमूल होगा तो वर्ग में चेंज होगा, घन होगा तो घनमूल में चेंज होगा और घनमूल होगा तो घन में चेंज होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर हम लोग समझते हैं एक दो, ठीक है ना। पहला एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पर x+3 = 2x+3, यहाँ पर पक्षांतर करना है, x का मान निकालना। कैसे निकालेगा, तो सबसे पहला यहाँ पर काम आपको ये करना है कि x वाले पद को एक और कर लेना है, ठीक है, और अचर को एक साइड आपको कर लेना है। चलिए हम लोग जरा सा करते हैं, इस बात पर फोकस करिए। यहाँ x है और ये +2x है, इसको इधर ला देंगे तो -2x हो जाएगा, क्योंकि इसका चिन्ह प्लस छुपा हुआ है, ठीक है ना। तो बताया गया कि प्लस है तो लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, चेंज है, प्लस का माइनस होता है। तो ये +2x है, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे छोड़िए, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 3 है तो 3, ये +3 को मैं इधर ला रहा हूँ, ये +3 को अच्छा को इस साइड कर रहा हूँ, ये +3 है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3, अब बराबर क्या बच गया, 2x। अब एक काम करते हैं, इधर वाला जो x है इसको इस साइड लाते हैं, तो इस x का चिन्ह प्लस है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -x आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात को समझिए, 3 में से 3 घट जाएगा 0, अब बराबर 2x में से 1x घट जाएगा, कितना बचेगा, 1x, यानी x का मान कितना आ गया, x बराबर आपका आ गया 0। देखी जाए तो x का मान क्लियरली आपका कितना आ गया, x का मान जो आ गया वो आपका आ गया 0, ठीक है ना। अब चलते हैं, तो आपको समझ में आ गई बात है। जैसे दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन उठाकर चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है 2x-7 बराबर 2x बटा 3 अब प्लस हो गया 17। ध्यान देते हैं, यहाँ पर भी क्रिया वैसे ही करेंगे, x वाले पद को एक साइड में कर लेना है, अच्छा वाले पद को एक साइड में करना है। ये 2x है तो 2x, और देखो 2x/3 x वाला पद है, इसका चिन्ह प्लस है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -2x अब बटा हो जाएगा 3, अब बराबर कितना बचा है, 17 प्लस है। अब देखो यहाँ पर -7 है, इसको इधर ला रहे हैं, अचर को एक साइड में कर रहे हैं, तो -7 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा, चेंज करना है, चिन्ह चेंज अप होता है पक्षांतर में। अब देखो इसके भी बटा में बन चुका है, लसा लेते हैं, 1 और 3 का लसा कितना होगा, 3, 1 का टेबल 3 में पड़ेंगे, 3 का 2 से गुना कर देंगे, 3 गुना 6x, और घटा 3 एकम 3, और तो 1 का 2 से गुना कर देंगे, 2x रहेगा, अब बराबर 17 7 कितना हो गया यहाँ पर, 24। अब ध्यान दो बुआ, यहाँ 3 जो है भगा बटा में, अब बटा का मतलब होता है भगा, तो 3 भगा में, इसका मतलब इधर कहाँ चलेगा, गुना में। नियम होता है कि जब भगा में होगा तो गुना में चलाएगा। तो यहाँ देखो 6x में सर, ध्यान दीजिए, 6x में सर 2x घटा देंगे तो 4x कितना बचेगा, 4x 6x में से 2x घटा देंगे, 4x इधर बच गया 24। अब देखो ये 3 भाग में था, इधर कहाँ चलाएगा, गुना में, ठीक है। अब देखो यहाँ x को छोड़कर 4 गुना में, क्योंकि 4x है तो मतलब x और 4 दोनों गुना में, तो x को छोड़कर 4 गुना में, जब गुना में होता है तो भाग में चलाता है, तो x को छोड़कर 4 गुना में इधर कहाँ चलाएगा, भाग में चलाएगा, मतलब बटा में चलाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x बराबर 24 × 3 है, और यहाँ जो 4 गुना में था ये कहाँ चलाएगा, भगा में, क्योंकि बटा का मतलब क्या होता है, भगा, तो 4 चलाएगा इधर भगा में। अब इसको काट दीजिए, 4×6 = 24, इसलिए x का जो मान आ गया 6 और 3 बच गया, 36 कितना हो जाएगा, 18, तो x का मान कितना आ गया, 18। तो आपको पक्षांतर करते समय चिन्ह चेंजअप करना है। जैसा तीसरा एग्जाम्पल समझिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो x वाले को एक साइड करेंगे और अचर को अचर साइड में कर देते हैं।
अब देखो 2x/3 है, अब यहाँ +x/4 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -x/4 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, आई इधर बच गया आपका 21/8। अब ध्यान दो ये -7/8 है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा +7/8 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब क्रिया करते हैं यहाँ पर, 3 और 4 का लसा ले लेंगे कितना हो जाएगा 12, 3 4 का लसा ले लेंगे 12, 3 का पढ़ाई 4 बार पढ़ेंगे तब जाएगा 12 आएगा, तो 4 गुना कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, माइनस 4 के पढ़ाई कितना बार पढ़ेंगे 12 आएगा, तो 3 12 3 का x से गुना कर देंगे 3x। अब बराबर यहाँ देखो 8 8 का लसा 8 हो जाएगा, जब नीचे वाला सेम होता है तो ऊपर वाले को जोड़ दिया जाता है तो 21 और प्लस हो जाएगा 7, ठीक है। अब देखो 8 को x में से 3 x घटा देंगे तो बचेगा 5x और बटा 12। अब बराबर यहाँ 21 और 7 जोड़ देंगे 28 और बटा हो जाएगा 8। कटने वाला तो इसको काट दीजिए, 2 से कटेगा ये, 2 से काट देते हैं, 4 से नहीं कटेगा, 4 से भी कटेगा, 4 7 28, ठीक है ना, काट देते हैं 4 7 28 और 4 2 8, 2 से कट गया। अब देखो 5x/12 बच गया, अब बराबर 7/2 बच गया। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ जो 12 है, ये 12 इधर बटा में, बटा का मतलब भगा में, तो भगा में है तो इधर कहाँ चलाएगा, गुना में, तो ध्यान दीजिएगा 5x इधर बच जाएगा तो 7/2, और ये 12 भगा में था इधर कहाँ चलाएगा, गुना में, ये कट जाएगा, ये 2 6 कितना हो गया 12 हो गया, तो कितना आपके पास बच गया 5x, अब बराबर 7 × 6 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात ये आ रही है कि x को छोड़कर 5 यहाँ पर गुना में, 5x है तो x भी गुना में है, 5 भी गुना में है, तो x को छोड़कर 5 गुना में इधर कहाँ चलाएगा बटा में, इसलिए x का जो मान निकलेगा 42 पहले से है, ये 5 गुना में इधर कहाँ चलाएगा बटा में। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पक्षांतर कर सकते हैं और x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है पक्षांतर करते समय चिन्ह बदल जाएगा, जोड़ में होगा तो घटाओ में, घटाओ में होगा तो जोड़ में, गुना में होगा तो भाग में, भाग में होगा तो गुना में, वर्गमूल में होगा तो वर्ग में होगा तो वर्गमूल में, घन में होगा तो घनमूल में, घनमूल में होगा तो घन में हो जाएगा चेंज, ठीक है ना। तो इस बातों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि पक्षांतर करना है चिन्ह बदल बदल कर, ठीक है ना। अब जैसे इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज जानते हैं, तिर्यक गुणा कैसे होते हैं, चलिए अब तिर्यक गुणा के बारे में हम लोग ज्ञान हासिल करते हैं। अब देखिए तिर्यक गुना कैसे होता है, तिर्यक गुना में क्या है कि मान लीजिए आपको दो पद बराबर दिया है बटा में, भिन्न में, ए बटे बी बराबर सी बटे डी है, तो यहाँ पर तिर्यक गुना जिसको क्रॉस मल्टीपल हम लोग कहते हैं, तो तिर्यक गुना आपको कैसे करना है, ऊपर का नीचे से गुना करना है और नीचे का ऊपर से गुना करना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ऊपर का नीचे से, मतलब ए गुना डी आप बराबर नीचे का ऊपर से, यानी बी गुना सी भी आप लिख सकते हैं। तो तिर्यक गुना का मतलब यही होता है ऊपर का नीचे से गुना करना, नीचे वाले का ऊपर से गुना करना है। जैसे एग्जांपल के तहत हम लोग समझते हैं, आपके पास ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ भी तिर्यक गुना करेंगे ऊपर का नीचे से, नीचे का ऊपर से, करते हैं जरा सा, ठीक है ना। ऊपर का नीचे से गुना करेंगे तो 2x+3 ऊपर वाला पद है और नीचे वाले से इसको गुना करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा इस पर बात को समझिएगा, 3 अब गुना नीचे वाले से करेंगे तो 5 हो जाएगा, अब नीचे वाले का ऊपर से गुना करेंगे मतलब x+9 अब गुना हो जाएगा 2। तो इस तरह से तिर्यक गुना करना ऊपर का नीचे से, नीचे का ऊपर से। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ 5 से गुना करिए, 5 दुना कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस 5 का 3 से गुना कर देंगे 15, यहाँ 2 से गुना कर देंगे, 2 का x से गुना करेंगे 2x, 2 का 9 से गुना कर देंगे 2 9 18। अब क्या करेंगे x वाले पद को एक साइड कर देंगे, तो यहाँ पर x वाले को लिखते हैं 10x है, ठीक है ना। ये +2x है, इधर लाएंगे तो हो जाएगा -2x, ये +2x है, इधर लाएंगे तो -2x। अब बराबर इधर कितना बच गया 18। अब देखो ये +15 है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। अब देखो यहाँ 10 को x में से 2 x घटा देंगे तो कितना बचेगा 8x हो जाएगा, 18 में से ये 15 घटा दीजिए तो 18 में से जब ये 15 घटा देंगे तो 3 बचेगा। अब देखो x को छोड़कर 8 गुना में इधर कहाँ चलाएगा बटा में, तो इसलिए x का जो अनुमान होगा 3 पहले से ही 8 भगा में तो इधर गुना में है तो इधर चलाएगा बटा में, मतलब भगा में आ जाएगा, नहीं 3/8 हो जाएगा, तो x का मन ऐसे निकालना। तो तिर्यक गुना यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पर भी तिर्यक गुना करना पड़ेगा, बिना तिर्यक गुना का संभव नहीं है। देखो ऊपर का नीचे से गुना करेंगे, नीचे का ऊपर से गुना करेंगे, करते हैं जरा सा ध्यान दीजिए। ऊपर का नीचे से तो ऊपर है 2x-3 और नीचे आपका 4 है, तो इस 4 से गुना कर देंगे, नीचे वाले का ऊपर से गुना करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ 4-x है, अब इसका गुना किससे करेंगे हम लोग, -5 से गुना करेंगे। अब ध्यान दीजिए 4 का 2x से गुना कर देंगे, 4 × 2 8x हो जाएगा, घटाओ 4 का 3 से गुना कर देंगे 4 3 12, -5 का 4 से गुना कर देंगे, तो देखो 4 का चिन्ह प्लस है और यहाँ 5 का चिन्ह माइनस है, तो प्लस का माइनस से गुना कर देंगे माइनस और 5 का 4 से गुना कर देंगे 20। अब x का चिन्ह माइनस है, माइनस और 5 का भी चिन्ह माइनस है, तो माइनस का माइनस से गुना कर देंगे प्लस, क्योंकि चिन्ह का तो मैं पहले ही वीडियो आपको बना चुका हूँ, तो माइनस माइनस प्लस और 5 का x से गुना कर देंगे 5x हो जाएगा। अब क्या है कि x वाले को एक और कर लेते हैं, यहाँ पर 8x है तो 8x, ये +5x है, इधर लाएंगे तो -5x हो जाएगा, यहाँ बच गया सिर्फ -20, ये -12 है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा +12 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा।
आठ को एक्स में से पाँच को एक्स घटा देंगे थ्री एक्स, अब देखो बारह में सर बीस घटा देंगे माइनस क्या बचेगा आठ बचेगा। अब एक्स को छोड़कर तीन गुना में इधर कहाँ चलाएगा बटा में, एक्स को छोड़कर तीन गुना में तो इधर भगा में चलाएगा, गुना में होता है तो भगा में चलाता है, इसलिए एक्स का जो अनुमान आएगा माइनस आठ ये तीन गुना में जब चलाएगा भगा में मतलब बटा में चलाएगा तो एक्स का मान निकल जाएगा माइनस आठ बटे तीन। तो तिर्यक गुणा को आपको ध्यान देना है और पक्षांतर में इतनी बातें ध्यान देनी है बस कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होगा, गुना का भाग और भाग का गुना, ऐसे आपको मतलब पक्षांतर में चेंज अप हो जाएगा, इस बात को कन्फर्मली आपको याद रखनी है। तो इस तरह से तिर्यक गुना भी आप समझ गए। तो बस आज की इस वीडियो में आपका इतना रहेगा, मतलब बेसिक मैथ के पार्ट सिक्स में बस इतना ही रहेगी और ये बातें बेसिकली आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग पार्ट सेवन को लेकर फिर मिलेंगे।